नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। भारत राष्ट्र राज्य की 68 साल दास्ता में लकीर का फकीर बनते जाना एक हकीकत है। आजादी के बाद नेहरू गांधी परिवार और उसके प्रतिष्ठान ने जो प्रायोजित महानायक बनाए, वे सत्ता की मुख्य धारा भले रहे हों, लेकिन वे जन मन की मुख्य धारा नहीं बने। तभी सरकार के हाशिए में रखने के बावजूद लोगों के जहन में भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस की जगह बनी रही। जनमानस की बदौलत ही अंबेडकर महानायक बने, तो लाल बहादुर शास्त्री, दीनदयाल उपाध्याय, बीजू पटनायक, मदन मोहन मालवीय, लाजपत राय, महाराणा प्रताप, शिवाजी आदि के चेहरे भी जन मनोविज्ञान में बैठे रहे। उस नाते नरेंद्र मोदी सरकार की यह अप्रोच काबिले तारीफ है कि 68 साल से सत्ता के जरिए पूजे जा रहे चेहरों के अलावा भूले बिसराए नायकों को भी देवालय में बैठाया जा रहा है। खबर है कि 1965 की भारत पाक लड़ाई की 50वीं वर्षगांठ और लाल बहादुर शास्त्री की याद के भव्य आयोजन होंगे। सन 2015 और 2016 में किन किन महापुरुषों की याद के समारोह होने हैं, इसका सरकार ने अलग कैलेंडर बनाया है। उसकी एक कमेटी बनी है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह अध्यक्ष है। दीनदयाल उपाध्याय, बीजू पटनायक की 100वीं जन्म तिथि को यादगार बनाया जाएगा, तो भीष्म साहनी भी याद किए जाएंगे। लाला लाजपत राय की 150वीं जयंती, तात्या टोपे की 200वीं जयंती, राणा प्रताप की 475वीं जयंती के भी आयोजन होंगे। अपना मानना है कि लीक से हटकर यह एक अच्छी शुरुआत है। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां है। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। भारतीय जनता पार्टी को अब विपक्ष से ज्यादा अपने लोगों की चिंता करनी पड़ेगी। भूमि अधिग्रहण कानून में बदलाव का विवाद बढ़ता जा रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े स्वदेशी जागरण मंच और भारतीय किसान संघ ने इसका विरोध किया है। हालांकि भाजपा नेताओं को भरोसा है कि वे संघ को समझा लेंगे, पर फिलहाल इसकी संभावना नहीं दिख रही है। संघ के विचारक गोविंदाचार्य का कहा इस मायने में अहम है। उन्होंने संकेत दिया कि संघ इससे सहमत नहीं है और तभी उससे जुड़े संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। संघ ने पहले जरूर इस बिल में 9 संशोधन के बाद इसका समर्थन किया था, लेकिन उसके बाद भी स्वदेशी जागरण मंच और भारतीय किसान संघ का विरोध जारी रहा। संघ के अलावा भाजपा की 3 सहयोगी पार्टियों ने बिल का विरोध किया है। शिवसेना, अकाली दल और सांसद राजू शेट्टी की पार्टी स्वाभिमानी पक्ष ने साझा संसदीय समिति के सामने लिखित विरोध दर्ज कराया है। ये तीनों पार्टियां चाहती हैं कि जमीन लेने से पहले किसानों और दूसरे प्रभावित लोगों की सहमति का प्रावधान अनिवार्य रूप से जोड़ा जाना चाहिए। सहमति के बगैर 1 इंच जमीन नहीं ली जानी चाहिए। संघ के संगठनों और सहयोगी पार्टियों के विरोध के बाद अब ये लगभग तय रहा है कि सरकार को बिल में फिर से संशोधन करने होंगे। हालांकि उसके बावजूद बिल पर सहमति बनेगी, इसको लेकर संदेह है। कर्नाटक के पूर्व राज्यपाल हंसराज भरद्वाज ने पार्टी के पुराने नेताओं को अपना कंधा उपलब्ध कराया है, जिस पर बंदूक रखकर वे राहुल गांधी और उनकी टीम पर फायरिंग कर सकते हैं। भरद्वाज ने सीधे राहुल पर निशाना साधते हुए कहा है कि उनको चीजों के बारे में पता नहीं है, लेकिन असल में उनका निशाना राहुल की टीम के युवा सदस्यों पर था, जिनके हिसाब से वे काम कर रहे हैं। टीम राहुल के जानकार सूत्रों का कहना है कि पार्टी के कई पुराने नेताओं को राहुल की नई टीम में जगह नहीं मिलने वाली है। कर्नाटक में SM कृष्णा और वीरप्पा मोइली, मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह और कमलनाथ, दिल्ली में शीला दीक्षित और संदीप दीक्षित, छत्तीसगढ़ में अजीत जोगी, महाराष्ट्र में सुशील शिंदे के अलावा पार्टी के महासचिव जनार्दन द्विवेदी, मोहन प्रकाश, अंबिका सोनी आदि की राहुल की टीम में बड़ी भूमिका नहीं रहने वाली है। इनमें से कई नेता खासे नाराज हैं, सो वे लगातार राहुल की टीम के खिलाफ अंदर खाने अभियान चलाए हुए हैं। जयराम रमेश और रणदीप सुरजेवाला इन नेताओं के खास निशाने पर हैं। तभी भरद्वाज ने रमेश का नाम लेकर अटैक किया। राहुल की टीम से नाराज नेता भाजपा नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के खिलाफ शुरू किए गए हर अभियान को पंचर करना चाहते हैं। उनमें भूमि व GST बिल का विरोध और वसुंधरा सुषमा के इस्तीफे की मांग का मामला भी शामिल है।
कांग्रेस पार्टी के नेता सुषमा स्वराज और वसुंधरा राजे को लेकर आक्रामक तो है, लेकिन साथ ही इस बात को लेकर चिंता में है कि अब उनकी पार्टी के पहले परिवार के खिलाफ हमला शुरू हो जाएगा। कांग्रेस नेताओं को सोनिया, राहुल और प्रियंका तीनों की चिंता है। अगर रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ कोई जानकारी निकलती है तो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इन तीनों के खिलाफ अगर भाजपा कोई दस्तावेज निकालती है तो मॉनसून सत्र के लिए बनाया गया कांग्रेस का पूरा प्लान फेल होगा। जानकार सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस नेताओं को चिंता है कि मॉनसून सत्र से पहले कोई झूठा या सच्चा खुलासा हो सकता है। ललित मोदी को लेकर भी कांग्रेस में चिंता है। वरुण गांधी के बहाने ललित मोदी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ भाजपा को एक मसाला दे दिया है। इसी तरह हिमाचल प्रदेश में प्रियंका गांधी की जमीन के बारे में जानकारी देने का निर्देश जारी हो गया है, उससे भी कुछ दस्तावेज भाजपा को मिलेंगे। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी की पिछले 10-15 साल के विदेश दौरों, छुट्टियों और खर्च आदि का हिसाब निकाला जा रहा है। भाजपा के कई नेताओं को उनके विदेश दौरों में से कुछ ऐसा मिलने की उम्मीद है जिससे कांग्रेस बैकफुट पर आए। इसे भांपकर कांग्रेस ने पहले से आक्रमण की रणनीति अपनाई है। जवाहरलाल नेहरू की प्रोफाइल से विकिपीडिया पर छेड़छाड़ के बहाने केंद्र सरकार पर कुत्सित राजनीति करने का आरोप लगाया है। अब आज की सुर्खियां, ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ललित मोदी विवाद को लेकर मॉनसून सत्र में हंगामा होने से जुड़ी चिंताओं को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि ये मामला कुछ लोगों और कुछ टेलीविजन चैनलों के लिए प्रासंगिक हो सकते हैं, परंतु शासन तंत्र के लिए नहीं। जेटली ने ये बात आईपीएल के पूर्व प्रमुख ललित मोदी से कथित संबंधों के मामले में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के इस्तीफे की मांग के मद्देनजर संसद के मॉनसून सत्र बाधित होने की आशंका से जुड़े पत्रकारों के सवालों के जवाब में कही। जेटली ने कहा कि भूमि अधिग्रहण बिल और जीएसटी लागू करने संबंधी बिल विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और मुझे उम्मीद है कि कोई राजनीतिक दल वृद्धि और विकास के विरुद्ध रुख अख्तियार नहीं करेगा। जेटली ने कहा कि ये दोनों बिल बेहद महत्वपूर्ण बिल हैं। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हुर्रियत से कोई बातचीत नहीं की जाएगी। बाबा अमरनाथ का दर्शन करने के बाद आज राजनाथ सिंह जम्मू पहुंचे, जहां राजभवन में पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि हुर्रियत से कोई बातचीत नहीं की जाएगी और न ही फिलहाल जम्मू कश्मीर में अफ्सपा यानी आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट को हटाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जब तक राज्य में हालात सामान्य नहीं हो जाते तब तक अफ्सपा नहीं हटाया जाएगा। राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर के 2 दिन की इस यात्रा के दौरान सेना, अर्धसैनिक बलों, पुलिस और खुफिया विभाग के अधिकारियों के साथ राज्य में सुरक्षा की स्थिति और विशेष रूप से अमरनाथ यात्रा के लिए किए गए इंतजामों की समीक्षा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अहम फैसला देते हुए कहा कि जजों और उनके परिवार के सदस्यों के चिकित्सा खर्च को सूचना के अधिकार के तहत सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। चीफ जस्टिस एचएल दत्तू की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस संबंध में दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जजों के चिकित्सा खर्च की अदायगी का ब्यौरा मांगने से संबंधित याचिका को खारिज कर दिया। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि यह निजी सूचना है और इसकी जानकारी देने से निजता का उल्लंघन होगा। दत्तू की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि हम समझते हैं कि हमारी चिकित्सा राशि की अदायगी सार्वजनिक धन से होती है और जजों की सेवा शर्तों के तहत हम इसके हकदार हैं। आईपीएल के पूर्व प्रमुख ललित मोदी से संबंध के बारे में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुधांशु मित्तल ने सभी आरोपों को खारिज किया है। मित्तल ने कहा है कि मेरे ऊपर लगाए गए सारे आरोप बेबुनियाद हैं। मित्तल ने ये भी कहा कि वे ललित मोदी से कभी मिले ही नहीं हैं। दरअसल ललित मोदी ने ट्विटर पर एक नया खुलासा किया है और कहा है कि सुधांशु मित्तल बताएं कि उनके हवाला कारोबारी विवेक नागपाल से क्या संबंध है। इससे पहले ललित मोदी ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की सेक्रेटरी ओमिता पाल का भी नागपाल से संबंध बताया था। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। कांग्रेस और भाजपा में बार बार बहस हुई है कि मोदी सरकार उन महानायकों को पुजवा रही है जो कांग्रेस के रहे, सरदार पटेल, मदन मोहन मालवीय, अंबेडकर, सुभाष बोस आदि को कांग्रेस अपना बताती है। हकीकत में कांग्रेस की सरकारों ने इन्हें महामानव वाला दर्जा नहीं दिया। गांधी नेहरू परिवार का ही महिमा मंडन हुआ। इस पर आगे चर्चा करें, उससे पहले देखें मेरा यह खुलासा। प्र...
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतिहास के पन्नों में जाने अनजाने दबा दिए गए भारतीय महापुरुषों को निकाल रहे हैं, उनकी प्रतिमा लगा रहे हैं और उन्हें पूजने की परंपरा शुरू कर रहे हैं। भारत में आज़ादी के बाद से अब तक महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के अलावा दूसरे स्वतंत्रता सेनानियों या महापुरुषों को बहुत ज्यादा मान सम्मान नहीं मिला है। हालांकि ये महापुरुष लोगों के दिलो दिमाग में रहे हैं। तभी आज सोशल मीडिया में सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह को नायक मानने वालों की संख्या किसी दूसरे महापुरुष को पूजने वालों से ज्यादा है। मोदी जनमानस की इस भावना को समझते हैं। तभी उन्होंने दिल्ली चलो का अपना अभियान शुरू करने से पहले गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा लगाने की परियोजना मंजूर कराई और उसके लिए देश भर से लोहा इकट्ठा करने का अभियान छेड़ा। उनका यह अभियान कई स्तर पर सफल रहा, उनको इसका राजनीतिक लाभ भी मिला। वे उस समूह तक पहुंचने में कामयाब रहे जो मानता था कि आज़ादी के बाद पटेल के साथ अन्याय हुआ था, उनको भारत का पहला प्रधानमंत्री होना चाहिए था। इसी तरह नरेंद्र मोदी इस साल मार्च में पंजाब के उस गांव गए जहां शहीद भगत सिंह और उनके साथियों का स्मारक है। वहां जाकर उन्होंने उनको श्रद्धांजलि दी। वे जर्मनी गए तो वहां उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिजनों से मुलाकात की। भारत रत्न चुनने का मौका आया तो उन्होंने महामना पंडित मदन मोहन मालवीय को चुना। भारत के महान प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव का स्मारक दिल्ली में बनवाने का ऐलान किया, जबकि राव की अपनी पार्टी कांग्रेस ने दिल्ली में उनका अंतिम संस्कार तक नहीं होने दिया था। इसी तरह मोदी की सरकार ने दूसरी आज़ादी के नायक जयप्रकाश नारायण के गांव सिताब दियारा में उनका स्मारक बनाने का फैसला किया है। अब भले कांग्रेस नेता कहें कि नरेंद्र मोदी जिस पार्टी या विचारधारा से आते हैं उनके पास आज़ादी के नायक नहीं है, इसलिए वे कांग्रेस से उनके नायक हथिया रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि मोदी लोगों की भावनाओं के अनुरूप उन लोगों को पूजने जा रहे हैं जिन्हें कांग्रेस के या दूसरी पार्टी के अब तक के राज में अपना वाजिब हक नहीं मिला। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार इंदिरा गांधी के शुरू किए गए 20 सूत्री कार्यक्रम का नाम बदलने वाली है। इसका नाम भारत के महान समाज सुधारक राजा राम मोहन रॉय के नाम पर रखने की योजना है। मोदी इतिहास के किताबों में चंद लाइनों में निपटा दिए गए भूले बिसरे नायकों को वहाँ से निकालने और झाड़ पोछ कर उनकी भव्य मूर्ति बनाने में लगे हैं। भारत का बेहद पुराना और गौरवशाली इतिहास है और यह इतिहास व्यक्तियों से बना है। सो हर व्यक्ति का योगदान उसकी भूमिका के अनुपात में रेखांकित किया जाना चाहिए, तभी मोदी की सरकार मालवीय से लेकर राजा राम मोहन रॉय, लाला लाजपत राय, लाल बहादुर शास्त्री, बीजू पटनायक सरीके स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को हाईलाइट कर रही है। तो साथ ही मध्यकाल में अपनी वीरता और राष्ट्र प्रेम दिखाने वाले महाराणा प्रताप और शिवाजी की प्रतिमा भी निखार रही है। इन सबसे भारत की पहचान है। अगर मोदी सरकार इस पहचान को निखार रही है तो उसका स्वागत होना चाहिए। अब एक ब्रेक है, उसके बाद अपने महानायकों की महिमा मंडन के मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हर देश अपने महानायकों को सम्यक भाव याद करता है, उनकी कमियां, अच्छाइयों और योगदान की बेबाकी से समीक्षा करते हुए उन्हें याद करता है। मगर अपने यहाँ न तो सबके प्रति समान भाव है और न उनके सही गलत कामों की निर्ममता से समीक्षा है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार शीला भट्ट है। शीला जी, आजाद भारत में 68 साल से महानायकों की जिस लिस्ट के ऊपर राष्ट्र राज्य उत्सव मनाता था, उस लिस्ट को बहुत बुनियादी तौर पर नरेंद्र मोदी सरकार बदलती हुई लगती है, क्या आप भी मानती हैं इस बात को? बिल्कुल बदल रही है, ये उनका महाप्लान है। हाँ। और बहुत बड़े बड़ी अदा से ये काम करेंगे और नेहरू म्यूजियम लाइब्रेरी में और बहुत सारी जगह पे महानायक कौन कौन हो सकते हैं जिनको कांग्रेस के राज्य रूल में अनदेखी की गई थी, उनको सबको उन पे रिसर्च हो रहा है और उनकी एक प्रतिभा बना के फिर से उनको पब्लिक के सामने पेश करने वाले। मतलब बात यह है कि कांग्रेस पार्टी को एक बहुत बड़ा फायदा है जो भारत देश की पब्लिक के माइंड में है, और वो ये है कि हम कभी भी भारत देश का स्वतंत्र का इतिहास पढ़ेंगे तो कांग्रेस मतलब तो उसके गांधी नेहरू परिवार के नहीं, उतने हम इतना मिला जुला है कि कांग्रेस का इतिहास ही इंडिपेंडेंस की हिस्ट्री हो जाती है और इंडिपेंडेंस की हिस्ट्री में कांग्रेस आ ही जाती है, जो फायदा बीजेपी को नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी अपने उससे एक कदम आगे की सोच है। वो सोच रहे हैं कि
हम राष्ट्रवाद और जिसको पैन इंडिया जिसको कहते हैं, समस्त भारत की जिसकी प्रतिभा उभरी है और जो इतिहास में दंत कथा बनकर हमारे जीवन में समाये हुए हैं, ऐसे लोगों को याद किया जाए और उनको फिर से पेश किया जाए। इनमें कौन कौन मुख्य नाम है? महाराणा प्रताप है नागालैंड, और मैंने अभी सुना है नॉर्थ ईस्ट की भी कुछ देवियों का नाम है। फिर जैसे मदन मोहन मालवीया को लाए हैं, फिर वो ऐसे सभी लोग, और उनमें कांग्रेस की भी उनको छोछ नहीं है। जैसे कि आप जानते हैं कि मोरारजी देसाई के नाम पे सूरत का एयरपोर्ट शायद बन रहा है। फिर आप जानते हैं कि सरदार पटेल का तो नरेंद्र मोदी अपना आइडेंटिफिकेशन काम चल ही रहा है, उस पे काम चल रहा है ना, जिसको कहते हैं कि पॉलिटिक्स ऑफ एप्रोप्रिएशन, वो हो रहा है। और मेरे और उसमें बड़ी नहीं, लेकिन उसमें ये कहना है कांग्रेस का, इसका राजनीतिक तौर पर कांग्रेस का ये कहना है कि ये जो कांग्रेस की विरासत है, जो कांग्रेस के वही भले सरदार पटेल हो, भले अम्बेडकर हो, भले ये तमाम जो है या लाल बहादुर शास्त्री है, ये सब जो है मदन मोहन मालवीय, ये कांग्रेस के ही है। तो एक तरह से ये उसका कांग्रेस ज्यादा फायदा ले पाएगी या फिर बीजेपी की, ऐसे राजनीति ये है कि नरेंद्र मोदी की एक प्रतिभा राष्ट्रवाद की है। उनको उनको नेशनलिज्म, देशभक्ति, इन सब पे उनका ताना बाना उनकी पॉलिटिक्स जुड़ी हुई है। तो कांग्रेस इसका विरोध नहीं कर सकती। कांग्रेस अपनी इसमें आईपीआर कांग्रेस का नहीं हो सकता है। कोई कह सकता है नेहरू, गांधी या सरदार पटेल सिर्फ कांग्रेस के थे, वो तो देश के थे। वो तो एक तरह से इतिहास को बदलने की कोशिश, इसको का हिस्सा नहीं माना जाएगा इसे, क्योंकि देखिए एक तरफ इतिहास पुस्तकों, एक तरह ये कि जो महानायक है, जो विभूतियां है, वो जो हाशिए में थी उनको आप आगे करके अगर उनका बना रहे हैं, तो ये एक तरह से पिछले 68 साल से जो चला आ रहा था उसको बदल रहे हैं। नहीं, मैं कह रही हूँ कि इतिहास तो बदल नहीं सकता है कोई, लेकिन इतिहास को फिर से पढ़ाई कर रहे हैं। नहीं, और लेकिन ढंग से पढ़ नहीं, अगर भगत सिंह, अगर मान लीजिए भगत सिंह को महत्व मिलता है, ये होता है सुभाष चंद्र बोस को होता है, दीनदयाल उपाध्याय को, तो ये एक फोकस बदलने के साथ में पूरे राष्ट्र राज्य के महानायकों की लिस्ट बदलेगी नहीं इससे? नहीं, जरूर बदलेगी। और अगर अकबर की जगह महाराणा प्रताप, जो राजनाथ सिंह ने कहा, मैं फिर से ये कहना चाहती हूँ कि ये ऐसे लोगों को टच कर रहे हैं, ऐसे लोगों को उठा रहे हैं इतिहास के पन्नों से, जिसके लिए हम उन पे आरोप नहीं लगा सकते, मतलब विवाद नहीं हो सकता, हकीकत थी, उस हकीकत को उभार रहे हैं ये। जैसे महाराणा प्रताप और अकबर की जो विवाद चला, तो महाराणा प्रताप तो हमारे लिए है ही है बड़े, तो मैं कह रही हूँ कि ये एक मतलब ये बीजेपी बारीकी के साथ बीजेपी अपनी पैन ये एक ही मुद्दे पे हो रहा है। बीजेपी अपने को कांग्रेस की तरह कांग्रेस के सामने एक पैन इंडिया, समस्त भारत की एक मजबूत पार्टी बनाना चाहती है। आपको साउथ इंडिया में कैसे जाएंगे जब तक आप और ये देश तो कितने हर 20 कहते थे ना उनके हर 20 गांव में बोली बदल जाती है, तो वो ट्राइब्स, कम्युनिटी, जाति सबसे जुड़ने के लिए ये काम हो रहा है। इसके पीछे एक विस्तार, भाजपा के विस्तार की भी एक है और वैचारिकता भी, भाषा, जाति, धर्म, राष्ट्रवाद, जो खास तो उनका ध्यान राष्ट्रवाद पे है, जो नेशनलिस्ट मूवमेंट के और नेशनलिस्ट इशू के जो सिंबल थे, वो सब पर्सनालिटी को भाजप अपनाना चाहती है, उनको सपोर्ट देना चाहती है, और उनके द्वारा जो जैसे इसकी आधिकारिक तौर पर तैयारी किस तरह है? बहुत ऑफिशियली हो रहा है। होम मिनिस्ट्री ऐसे नामों को तय कर रही है, स्कॉलर्स को उसके लिए रिसर्च दे रही है, उसका मटेरियल तैयार हो रहा है, और फिर जब कभी उनकी डेथ एनिवर्सरी या बर्थ एनिवर्सरी या कुछ आता है, तो फिर प्राइम मिनिस्टर खुद इन्वॉल्व होकर उसको आगे बढ़ा रहे हैं। जो कमिटी है 125 साल के लिए बर्थ एनिवर्सरी पे, तो उसपे बहुत बढ़िया काम कर रही है। जब नरेंद्र मोदी खुद बैठते हैं मीटिंग्स में, जवाहरलाल नेहरू की 125वीं जयंती, और उन्होंने उस मीटिंग में, मैंने मुझे जानकारी है कि उन्होंने कहा कि जवाहरलाल नेहरू को ग्लोबल स्तर पे कैसे इस साल पेश किया जाए, उसकी एक रूपरेखा तैयार हो रही है। तो वो एक हिसाब से तो फिर ये राजनीति से ऊपर उठ के काम हो रहा है या नहीं कहेंगे इसको? अभी तो वो देखना पड़ेगा हमें, अब तो नहीं कह, अभी टाइम है सर। लेकिन एक बात जरूर है कि बीजेपी को हिंदी भाषी प्रदेश के बाहर ले जाने के लिए, और ये एक प्रभावी तरीका होगा, प्रभावी तरीका है। और खास तो कांग्रेस की जितनी भी ताकत है ना, उसके सामने वो अपनी ताकत रख रहे हैं। जी शीला जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह है कि प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं या hsvyas@twitter पर जाहिर करें। सो अब कल फिर मिलेंगे
इसी चैनल पर इसी समय।